फाइनली ओप्पो F25 Pro 5G को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है एंड आज के वीडियो में हम ओप्पो F25 Pro 5G को Redmi Note 13 Pro 5G के साथ में कंपेयर करके देखेंगे किसमें हमें बेस्ट कैमरास मिलते हैं, किसमें बेस्ट गेमिंग मिल जाएगी एंड किसमें एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले भी दी जा रही है। सो अगर आप कंफ्यूज हो आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन आपके नीड्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट रहने वाला है, तो आप आज के वीडियो के अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं इनकी डिजाइन के बारे में। ओप्पो F25 Pro में हमें प्लास्टिक बैक दिया गया है एंड इस फोन के फ्रेम भी प्लास्टिक से बने हुए हैं। हालांकि इस फोन के फ्रंट में पेंडा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, वहीं नोट 13 प्रो 5G के बैक पर हमें ग्लास दिया गया है एंड इस फोन के फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। हालांकि इस फोन के फ्रेम भी प्लास्टिक से बने हुए हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में रियर में 3 कैमरास मिलते हैं एंड दोनों में ही एक फ्लैट डिस्प्ले भी दी जा रही है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। गेमिंग करते समय आपको काफ़ी बढ़िया ग्रिप मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। वेट की बात करें तो ओप्पो के स्मार्टफोन का वेट 177 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 7.5 mm है। वहीं नोट 13 प्रो 5G का वेट 187 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 8 mm है। तो भाई रेडमी का जो स्मार्टफोन है वो थोड़ा सा हैवी है एज कम्पेयर टू ओप्पो स्मार्टफोन। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम डिजाइन मिल जाती है, दोनों में आपको काफ़ी अच्छी डिजाइन दी जा रही है। सो आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कोई सा भी परचेस कर सकते हो। डिज़ाइन जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है, आपको किसकी डिज़ाइन पसंद आई वो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आगे बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। ओप्पो F25 Pro में 6.7 इंच की फुल HD प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दी जा रही है एंड 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं नोट 13 प्रो 5G में 6.67 इंच की फुल HD प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दी जा रही है एंड ये भी 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। तो भाई ओप्पो की डिवाइस में आपको थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले मिलती है एज कम्पेयर टू रेडमी स्मार्टफोन। खैर दोनों स्मार्टफोन्स में आपको स्मूथनेस काफ़ी अच्छी मिल जाएगी जब भी आप यहाँ पर गेमिंग करोगे या फिर आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करोगे। वेल दोनों ही स्मार्टफोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जा रहा है जो काफ़ी अच्छे से काम करता है। ब्राइटनेस की बात करें तो ओप्पो के स्मार्टफोन में 1100 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया जा रहा है जो इंडोर एंड आउटडोर के लिए अच्छा है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट रेडमी के स्मार्टफोन में 1800 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया जा रहा है जो और ज़्यादा अच्छा है डायरेक्शन लाइट में यूज करने के लिए। वेल रेडमी के स्मार्टफोन में वाइड वन एलेवन का सपोर्ट दिया जा रहा है। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको HDR10+ का सपोर्ट दिया जा रहा है जिसकी मदद से आप OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स एंड Amazon Prime पर भी फुल HD में कॉन्टेंट को स्ट्रीम कर पाओगे, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन्स में कंटेंट वॉचिंग के लिए काफी अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है, बट अगर आपको और ज्यादा बढ़िया डिस्प्ले चाहिए, बहुत ज्यादा कंटेंट को वॉच करते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको रेडमी के स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए क्योंकि नोट 13 प्रो 5G में हमें 12-bit पैनल मिलता है एंड ये डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करती है, साथ ही में 68 बिलियन कलर्स को प्रोड्यूस करती है एंड इसमें आपको 1.5K रेजोल्यूशन भी मिलता है। ऑल्सो 446 PPI डेंसिटी भी दी जा रही है। वहीं ओप्पो का जो डिवाइस है वो 1 बिलियन कलर्स को प्रोड्यूस करता है एंड एक 10-bit पैनल है, तो और ज्यादा बढ़िया क्वालिटी की डिस्प्ले के मामले में रेडमी का स्मार्टफोन विनर है। बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। दोनों स्मार्टफोन्स में 5000 mAh की बैटरी मिलती है। दोनों स्मार्टफोन्स 67W के फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, लेकिन ओप्पो F25 Pro में सिंगल स्पीकर्स दिए जा रहे हैं जो कि डिसेंट है, डुअल स्पीकर्स की तरह नहीं है। एंड भाई एक टाइम था जब रेडमी हमें 15,000 रुपये वाले स्मार्टफोन्स में भी डुअल स्पीकर्स दे रहा था, बट आजकल वीवो और ओप्पो जो हैं वो 25-26,000 रुपये में भी सिंगल स्पीकर्स दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जस्टिफाइबल नहीं है। खैर इस स्मार्टफोन में आपको IP65 की रेटिंग मिल जाती है बट 3.5 mm के एयरबैग प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड नोट 13 प्रो 5G में डॉल्बी एटमॉस के डुअल स्पीकर्स दिए जा रहे हैं एंड इसमें आपको NFC सपोर्ट भी मिल जाता है, साथ ही में IP54 की रेटिंग दी जा रही है एंड 3.5 mm के एयरबैग प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोनों स्मार्टफोन्स की जो बैटरी है वो आराम से एक दिन तक चल जाएगी विद अ सिंगल चार्ज, बट अगर आपको बढ़िया IP रेटिंग चाहिए तो आपको ओप्पो के स्मार्टफोन के साथ में जाना चाहिए, बट वहीं अगर आपको ऑडियो जैक चाहिए साथ ही में आपको बढ़िया स्पीकर चाहिए तो आपको रेडमी को स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। ओप्पो F25 Pro 5G ColorOS 14 पर रन करता है एंड इसमें एंड्रॉइड 14 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। वहीं नोट 13 प्रो 5G MIUI 14 पर रन करता है एंड इसमें एंड्रॉइड 13 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, जो इसकी एक डिसअपॉइंटिंग वाली चीज़ है क्योंकि इसमें आपको एंड्रॉइड 14 मिलना चाहिए था आउट ऑफ द बॉक्स, तो कहीं बेहतर रहता। खैर दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें 3 साल के OS अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी दिए जा रहे हैं। ओप्पो के स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 17 तक के अपडेट्स मिल जाएंगे बट रेडमी के स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 16 तक के अपडेट्स ही दिए जाएंगे। दोनों स्मार्टफोन में आपको थोड़ा बहुत फ्लॉटवेयर भी दिया जा रहा है जिन्हें आप इजीली डिलीट कर सकते हो। बात करें 5G कनेक्टिविटी की, ओप्पो F25 Pro में 9 5G बैंड ऑफर किए जा रहे हैं, वहीं नोट 13 प्रो 5G में 10 5G बैंड ऑफर किए जा रहे हैं, तो 5G कनेक्शन भी आपको दोनों में ही अच्छा मिल जाएगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में।
तो भाई जो लोग भी गेमर्स हो वो उस पार्ट को जरूर देखे हैं। ओप्पो F25 Pro 5G में नी डायरेक्ट डायमेंसिटी 7050 का प्रोसेसर दिया जा रहा है एंड ये 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड आता है। वहीं Redmi Note 13 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 का प्रोसेसर दिया जा रहा है एंड ये 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड आता है। बेसिकली Redmi के स्मार्टफोन में आपको और ज्यादा बढ़िया बैटरी एफिशिएंसी मिल जाएगी क्योंकि इसमें आपको 4nm वाला प्रोसेसर दिया जा रहा है। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको LPDDR4X की रैम टाइम मिलती है एंड UFS 3.1 की स्टोरेज भी दी जा रही है। तो दोनों स्मार्टफोन्स की जो रैम है एंड स्टोरेज है वो भी काफी अच्छी है। दोनों स्मार्टफोन्स आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, वीडियोस को एडिट कर सकते हो, आपके जो डेली टास्क होते हैं हैवी टास्क होते हैं उनको इजीली कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। गेमिंग की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स में आप COD एंड BGMI जैसे हैवी गेम्स को खेल सकते हो, काफी अच्छी गेमिंग कर सकते हो, स्मूथ गेमिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो बहुत ज्यादा गेमिंग करते हो, हैवी गेमर हो, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको दोनों में से किसी को भी परचेस नहीं करना है क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोन जो है वो हैवी गेमिंग के लिए बेस्ट नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत कम गेमिंग करते हो, कभी कभार ही गेमिंग करते हो, 1-2 घंटे के लिए गेमिंग करते हो, तो आप दोनों में से कोई सा भी परचेस कर सकते हो। बट मैं आपको बता दूं, ओप्पो का जो स्मार्टफोन है उसका एंट्रोड्यूस स्कोर 5.5 लाख के करीब आता है, वहीं रेडमी का स्मार्टफोन जो है उसका एंट्रोड्यूस स्कोर 6 लाख प्लस आता है। तो भाई और ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस के मामले में और ज्यादा अच्छी गेमिंग के मामले में रेडमी का स्मार्टफोन यहाँ पर विनर, थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। बात करते हैं कैमरा सेटअप के बारे में। ओप्पो F25 Pro में 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया जा रहा है विद OIS, सेकंड 8MP का अल्ट्रावाइड दिया जा रहा है एंड 32MP का सेंसर दिया जा रहा है एंड 32MP का सेल्फी सेंसर भी दिया जा रहा है जिसमें सोनी का सेंसर दिया गया है। खैर, आप इस फोन के रियर एंड फ्रंट कैमरा से 4K एट 30fps तक वीडियोस को शूट कर पाओगे, जो काफी अच्छा फीचर है क्योंकि हमने बहुत सारे स्मार्टफोन्स देखे हैं जिनका प्राइस 30,000 रुपीज है, 35,000 रुपीज है, उनमें भी आपको 4K सपोर्ट नहीं मिलता उनके फ्रंट कैमरा से, तो ओप्पो ने यहाँ पर एक अच्छा काम किया है। वहीं दूसरी तरफ Redmi Note 13 Pro 5G में मेन सेंसर 200 मेगापिक्सल का दिया गया है विद OIS, सेकंड 8MP का अल्ट्रावाइड दिया जा रहा है एंड 32MP का सेंसर दिया जा रहा है। वायरलेस फोन के फ्रंट में 16MP का सेंसर दिया जा रहा है। अब आप इस फोन के रियर कैमरा से 4K एट 30fps तक वीडियो शूट कर पाओगे, बट इसके फ्रंट कैमरा से 1080p एट 30fps तक वीडियो शूट कर पाओगे, 4K सपोर्ट नहीं मिलता है। दोनों स्मार्टफोन्स की वीडियोस काफी ज्यादा स्टेबल आते हैं बिकॉज ऑफ द OIS। फोटोज की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स डे लाइट में काफी अच्छी इमेजेस ले लेते हैं, उनमें आपको अच्छे कलर्स मिल जाते हैं। ओप्पो का जो स्मार्टफोन है उसमें आपको और ज्यादा बढ़िया सेल्फीज मिल जाएंगी। इन शॉर्ट, दोनों स्मार्टफोन्स में आपको अच्छे कैमरास मिल जाते हैं, तो आप कैमरास के लिए कोई से भी परचेस कर सकते हो। बट हाँ, रेडमी का जो स्मार्टफोन है उसमें आपको और बढ़िया डिटेल्स मिल जाएंगी क्योंकि इसमें आपको बड़ा सेंसर दिया जा रहा है। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। ओप्पो F25 Pro 5G का जो बेस वेरियंट है 8GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज, उसका करंट प्राइस 23,999 रुपए है। वहीं Redmi Note 13 Pro 5G का जो बेस वेरियंट है 8GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज, उसका करंट प्राइस 25,999 रुपए है। सो सवाल उठता है आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। वैसे तो दोनों स्मार्टफोन्स में आपको काफी अच्छे कैमरास मिल जाते हैं, दोनों में आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगी, दोनों में आपको काफी बढ़िया गेमिंग मिल जाएगी, दोनों स्मार्टफोन्स में आपको प्रीमियम डिजाइन मिल जाती है, दोनों में बड़ी बैटरी मिल जाती है, अच्छी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाती है, बट थोड़ा सा ही डिफरेंस है। बट Redmi के स्मार्टफोन में और ज्यादा बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले मिलती है, डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, ऑडियो जैक प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि ओप्पो के स्मार्टफोन में ये थोड़े से कम है। सो अगर आप बहुत ज्यादा कंटेंट को वॉच करते हो, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको Redmi के स्मार्टफोन का परचेस करना चाहिए, अदरवाइज आप दोनों में से कोई सा भी स्मार्टफोन परचेस कर सकते हो। यही था दोनों स्मार्टफोन्स का ऑनेस्ट कंपैरिजन। आपके दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।